Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. Draw a histogram for the following frequency distribution and find the mode. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. तो उसके बाद अब बनाना शुरू करते हैं. देखिए ग्राफ आ गया. ग्राफ के बाद अब हम लोग एक्सिस प्लॉट करते हैं. एक्स एक्सिस, y एक्सिस, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया 0, 0. तो ये 0 दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है. और उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, क्लास जो है वो 0 से 5 है. तो पहला जो 0 से 5 हम लोगों ने यहां पर एक्स एक्सिस में एरिया लिया हुआ है, उस पर हम लोग 2 हाइट का बार बना देंगे. तो पहला बार बन गया, 2 हाइट का बन गया. फिर उसके बाद दूसरा 5 हाइट का बन गया, फिर 18 हाइट का बन गया, 14 का बन गया, 8 का बन गया और 5 का बन गया. इस तरह से देखिए यहां पर 2 और ये 5 और उसके बाद ये 18 और फिर थोड़ा सा छोटा हो गया 14, फिर 8 और उसके बाद 5. तो ये जो डायग्राम बन गया इसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं. ड्रॉ अ हिस्टोग्राम वाला काम हो गया. लेकिन अब मोड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे. देखिए मोड होता है सबसे ज्यादा पॉपुलर वैल्यू. तो मोड बार बार ये है हमारा, है ना, मोड बार तो ये है. अब इसका इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दीजिए और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दीजिए. ये काम किया, फिर इसका नाम दिया एसी, फिर इसको जोड़ दिया, इसका नाम दिया बीडी. जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट मार्क कर लीजिए पी और उससे एक वर्टिकली नीचे जाइए और पॉइंट एक और मिला एम. इस एम की वैल्यू एक्स एक्सिस में पढ़ लीजिए, यानी कि क्लास में आप इसी चीज को बोलते हैं हम लोग. ये वाला अगर बार ग्राफ की क्लास अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास कितनी हो गई हमारी 10 to 15. लेकिन हमारी मोड की वैल्यू जो होगी 10 to 15 के बीच में कहीं आएगी. तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 14. आप रीड भी कर सकते हैं यहां से. अब जो भी काम हमने यहां किया उसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं लिखे दे रहा हूं. वैसे बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते. आईसीएसई 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है. स्टेप्स हैं 2 सेंटीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप चाहें तो ग्राफ में भी लिख सकते हैं, इसको स्केल कहते हैं. टेक 2 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस. देखिए ये 1 और ये 2, तो 2 सेंटीमीटर हो गया 5 क्लास इंटरवल के बराबर, है ना. और 1 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस. वाई एक्सिस यहां है, यहां पर देखिए 1 सेंटीमीटर हो गया कितना, 2 फ्रीक्वेंसी के बराबर. तो यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिखे, इसमें से ये स्केल वाला पार्ट है. कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स करस्पॉन्डिंग टू गिवन डेटा. ये सारे रेक्टेंगल्स हो गए, ग्रीन कलर है, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं. और आप वैसे तो एग्जाम में बनाएंगे तो पेंसिल से ही बनाएंगे, तो कोई कलर की जरूरत नहीं है. इन द हाइएस्ट रेक्टेंगल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स ए सी एंड बी डी. हाइएस्ट रेक्टेंगल में बन गया, पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, पी से वर्टिकली डाउनवर्ड आए एम और वो देखा वो 14 पे आ रहा है. इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड मोड आ गया 14. रेड कलर का बक्सा पहना दिया और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो हो चुका है. सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ.